नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, खेसारी लाल यादव की मच अवेटेड फिल्म रंग दे बसंती का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें खेसारी लाल यादव के साथ रति पांडे और डायना खान लीड रोल में नजर आ रहे हैं। रति पांडे हिंदी टीवी सीरियलों की पॉपुलर एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं और भोजपुरी सिनेमा में इस फिल्म में एक्ट्रेस का काम कर रही हैं। दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर बहुत ही धमाकेदार है और इसमें खेसारी लाल भी फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव एक जवान सैनिक का रोल निभा रहे हैं जो अपने देश के खातिर मर मिटने को तैयार रहता है। साथ ही यूनिवर्सिटी में खेसारी लाल यादव एक युवा नेता के रूप में दिखेंगे। इस रोल में वह प्रभु श्री राम का घोष बुलंद करते नजर आ रहे हैं। कभी मूंछ में दिख रहे हैं तो कभी जटाधारी लुक में। क्या है इसका राज? यह मूवी बहुत ही सस्पेंस पैदा कर रही है। इसका राज 22 मार्च को ही खुलेगा। इस फिल्म का एक ही लक्ष्य है, देशभक्ति और सेवा। रंग दे बसंती की मेकिंग अलग लेवल पर हुई है जिसको देखने के लिए दर्शक बहुत इच्छुक है। फिल्म के ट्रेलर और पोस्टर में दिखे सीक्वेंस को ट्रेलर में रिपीट नहीं किया गया है। सब कुछ ट्रेलर में फ्रेश दिख रहा है। इसे समझा जा सकता है कि फिल्म में और भी मटेरियल यूज होंगे। ट्रेलर में दिख रही भव्यता के कारण दर्शकों में जिज्ञासा और कौतूहलता बनी हुई है। यह दर्शकों के उम्मीद से भी कई अधिक होने वाली है। इस फिल्म को देखकर दर्शक भोजपुरी फिल्म पर फक्र करेंगे। 22 मार्च को पैन इंडिया रंग दे बसंती फिल्म रिलीज होगी। वही फिल्म को लेकर रोशन सिंह ने बताया है कि हम लोग की इच्छा थी कि इस फिल्म में और कुछ अच्छा ऐड किया जाए और इस फिल्म को आगे जारी रखा जाए। अपर क्लास के हिसाब से फिल्म को बनाया है जिसको देखने वाले दर्शक हर वर्ग के लोग देख सकते हैं और उन्हें पसंद भी आएगा, ऐसी उम्मीद है। फिल्म के गाने एक से बढ़कर एक होंगे। तो दोस्तों, इस फिल्म में जो गाने हैं वह आपको बॉलीवुड के बड़े कलाकारों के द्वारा सुनने को मिलेगा। इस फिल्म के बारे में जो रिलीज डेट है वह क्लियर नहीं बताई गई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 22 मार्च को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। यह फिल्म देशभक्ति पर आधारित है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने अवश्य जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।